नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किसान चैनल धीरज ढिल्लो पर। आज हम पहुँचे हैं गांव नसीरपुर में, युवा किसान के पास। बहुत जागरूक और एक प्रगतिशील किसान है। आइए इनसे मिलते हैं और लेते हैं इनका थोड़ा सा परिचय। नाम है जी वंशमान, गांव नसीरपुर, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा भाई जी, भाई जी असोजिया तो बो रखा ये है। जो आपका ईख है, ये कब का बोया हुआ है, इसके बारे में ये बताओ जी पहले। नवंबर का बोया हुआ है। नवंबर में? हाँ जी, नवंबर में तो ठंड पूरी हो जा। उसी टाइम पर बोया था जी, अच्छा जी, साथ में सरसों भी थी। सरसों। हाँ जी, तो सरसों कट के निकल गई। हाँ जी, अब प्याज बो रखी है। अच्छा, तो सरसों ने क्या पैदावार दी? सरसों जी ठीक निकल गई, 1.25 क्विंटल का बिकल कट गई थी। सवा का? हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। और देखो ये कितना अच्छा आया, बिल्कुल घिण का ईख हो रहा। टीलरिंग काफ़ी बेहतर हो रही खेत में। वैरायटी कौन सी भाई ये? 238 है जी। 0238 की। कितने इंच पे बो रखा भाई ये ये? है जी 44 पे। 44 इंच पे। हाँ जी, 44 इंच पे लगा रखा। और आज में पानी दे दिया? हाँ जी, कोरोजन लगा के पानी दिया है। अभी से ही कोरोजन लगा हाँ दी। जी, बहुत बढ़िया भाई, 4 नुलाई आ चुकी हैं, 2 खुदाई आ चुकी है इसमें। बहुत अच्छे। तो देखो भाई, सारी ही पैदा अच्छी लेते हैं भाई, युवा है। और साथ में देखो ये जो धोरे का खूड है, इसमें इन्होंने प्याज भी लगा दी। सह फसली खेती बराबर ले रहे हैं। ये देखें आप, सरसों कटने के बाद ईख तैयार निकल गया, प्याज भी ले रखी साथ में, और ईख खड़ा बहुत अच्छे वाला। ये देखें, पूरे का पूरा खेती बेहतरीन हो रहा है जी। सरसों से भी काफ़ी अच्छी आमदनी ले ली भाई ने, और अब गन्ना बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। तो ये अच्छा फार्मूला साथियों, सह फसली लेकर अच्छी आमदनी बढ़ा सकते हैं अपनी। जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।